से उद्धव राहुल में होगी लड़ाई। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति को अगर करीब से समझना है तो बाल ठाकरे की जीवनी को पढ़ लें तो समझ आ जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति कैसी है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र का चुनाव जीतना है तो बाल ठाकरे की जय बोलना होगा। ये हम नहीं बल्कि पीएम मोदी कह रहे हैं, यानी महाराष्ट्र की लड़ाई में अब बाल ठाकरे की जय बोलने पर आ गई है, क्योंकि बाल ठाकरे का नाम लेकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को एक नया चैलेंज दे दिया है, और वो भी अघाड़ी के बड़े नेता राहुल गांधी को, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, नकली शिवसेना औरंगजेब जैसे मुद्दों के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में अब वीर सावरकर और बाल ठाकरे की जय को लेकर संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में उद्धव ठाकरे के सियासी पार्टनर राहुल गांधी का नाम लेकर यह ऐलान कर दिया है कि एक बार उनसे बाल ठाकरे की जय बुलवा कर दिखाओ, एक बार वो अपने भाषण में बाल ठाकरे की प्रशंसा कर दे। एक है तो मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है, मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है, और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के सहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के सहजादे से मुंह से निकलवाइए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी कभी भी वीर सावरकर की जय नहीं बोलेंगे, बाल ठाकरे की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो खुद माफी वीर बोलकर उनका मजाक उड़ाते रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक दूसरी रैली में वीर सावरकर के नाम पर भी उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली कि एक बार राहुल गांधी से वीर सावरकर की जय बुलवा कर दिखाओ, एक बार राहुल गांधी अपने भाषण में वीर सावरकर की प्रशंसा कर दे। वीर सावरकर को गाली देते हैं, बाला साहब ठाकरे जैसे ऐसे महाराष्ट्र के गौरव की सराहना करने में इनके मुंह पर ताला लग जाता है, और मैंने इनको चुनौती दी है, अघाड़ी वाले जरा मेरी चुनौती को स्वीकार करें, उनके युवराज के मुंह से वीर सावरकर की तारीफ में एक भाषण करवा दे जरा। ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस महाराष्ट्र के रहने वाले वीर सावरकर की खुलकर आलोचना करते रहे हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी सावरकर को डरपोक तक बता दिया था। जो लोग खड़े हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सावरकर हो, ये डरपोक लोग हैं, और जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए ये भागेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में ठाकरे और कांग्रेस का गठबंधन है, दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उद्धव ठाकरे की विचारधारा बाल ठाकरे हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को सर्वोपरि रखती है, तो वहीं कांग्रेस की विचारधारा इसके ठीक उलट है। इसलिए राहुल गांधी शायद ही वीर सावरकर और बाल ठाकरे की तारीफ करें, क्योंकि बाल ठाकरे ने कभी कहा था कि मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, आज उसी कांग्रेस से उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया है। मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं कभी नहीं, और मुझे जब ही मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा एजेंडा के लिए मिल रहा है,
इससे गद्दारी करना चाहते हैं, कोई हमखोरी मारा मार। ये बात तो आप भी जानते हैं कि बाल ठाकरे और वीर सावरकर दोनों का ही रिश्ता महाराष्ट्र से है और दोनों का उद्धव ठाकरे पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सत्ता के लिए उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिस कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया, उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया जो वीर सावरकर का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती है। यहां तक कि कांग्रेस तो कई बार सावरकर को डरपोक और माफी वीर बता चुकी है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को सीधा चैलेंज दे दिया कि अपने पार्टनर राहुल गांधी से बाल ठाकरे और वीर सावरकर की जय बुलवा कर दिखाओ। पीएम मोदी के इस चैलेंज पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।